पाठ छे अमर शहीद भगत सिंह। पाठ दा उद्देश विद्यार्थियों नू शहीद भगत सिंह दे जीवन दिया मुख घटनावां बारे दस के उना विच देश भगती दी भावना पैदा करनी। भारत दी किस्मत गुलामी दी भयानक अते काली बोली रात दे हनेरे विच डुबी होई सी। अपनी ही धरती अपने ही आकाश अते अपने ही घरां विच भारतवासी गुलाम सन। उना दी किस्मत विदेशी हाकमां दी दया अते किरपालता ते निर्भर सी। अपने बचपन विच ही आजादी दे दीवाने भागां वाले ने आजादी दे अश्वमेघ यग विच अपने जीवन दी जेहड़ी आहुति दिती उस विचों निकलण वालियां लाटां दे भांबड़ विच विदेशी शासन सड़ के भसम हो गया। भारत दी आजादी लई जाना वारण वाले परवानियां विच शहीद भगत सिंह दा नां सदा ही पहु फुटाले सितारे वांग चमकदा रहेगा। एक 3-4 साल दा बालक अपनी बचपन दी खेडां विच मस्त खेड रहा सी। उसने एक निक्के जेहा खेत तैयार किता होया सी। ओह उस खेत विच तिल्ले गाड़ रहा सी। उस दे कोल खड़ी एक बुढ़ी औरत इस बालक दी खेड नू बड़ी हैरानी नाल वेख रही सी। बच्चों तुसी हैरान होवोगे कि एह बालक भारत माता दा महान सपूत शहीद भगत सिंह सी। कोल खड़ी बुजुर्ग औरत ने इस बालक दा ध्यान अपने वल खिच दिया होया कहा, मेरा बीबा पुत की कर रहा है? बालक भगत सिंह ने उत्तर दिता, अम्मा दमुखा बीज रहा हां। बुढ़ी औरत ने फिर पूछा, पुत तू बंदूका की करनिया हन? बालक भगत सिंह ने उत्तर दिता, अम्मा मैं इना नाल गोरियां नू मारांगा। बालक भगत सिंह एह समझदा सी कि बंदूका भी फसलां वांग धरती विच उगदियां हन। अजे ओह अपने तोतली आवाज विच बंदूका नू दमुखा ही आखदा सी। उस वेले कौन जानदा सी कि एक दिन एह बालक भारत मां दा महान पुत्तर बनेगा। भगत सिंह दा जन्म 11 नवंबर 1907 ईस्वी नू जिला लायलपुर विच जो कि अजकल पाकिस्तान विच है दे पिंड बंगा विच होया। खटकल कलां जिला नवा शहर आप दा जद्दी पिंड सी। आप दे पिता सरदार किशन सिंह कांग्रेस दे प्रसिद्ध नेता सन। आप दी माता दा नां विद्यावती सी। आप दे चाचा सरदार अजीत सिंह पगड़ी संभाल ओ जट्टा लहर दे मोडी सन। जिस दिन आप दा जन्म होया उसे दिन आप दे चाचा अजीत सिंह जेल विचो रिहा हो के आए सन। घर वालिया ने इस बालक नू भागा वाला समझ के इस दा नां भागा वाला रखिया। फिर उना ने इस दा नां भागा वाला तो भगत सिंह रखिया। इस तरह देश प्यार दी गुड़ती भगत सिंह नू घरों ही प्राप्त होई। देश प्यार दियां लोरियां प्राप्त करके आप देश भगती दे रंग विच रंगे गए। मुढली विद्या आपने अपने पिंड दे स्कूल विच ही प्राप्त कीती। डीएवी स्कूल तो मैट्रिक अते नेशनल कॉलेज लाहौर तो बीए पास कीती। कॉलेज विच आके भगत सिंह नू देश दी गुलामी दा एहसास होया। कॉलेज विच पढ़द्या आप दा मेल सुखदेव तनवंतरी अते भगवती चरण नाल होया। भगत सिंह ने इना नाल मिलके नौजवान भारत सभा बनाई। इस जथेबंदी विच ओही नौजवान शामिल हो सकदा सी जो देश लई हर तरह दी कुर्बानी देण लई तैयार होवे अते लोड़ वेले अपनी जान भी वार सकदा होवे। एक वार लाहौर विच साइमन कमीशन दे आउण ते लोक अंग्रेजां दे विरुद्ध जलूस कढ रहे सन। लाला लाजपत राय इस जलूस दी अगवाही कर रहे सन। उस वेले पुलिस ने लोकां ते लाठियां दा मीह वरा दिता। लाला लाजपत राय नू बहुत सट्टा लगियां। इना सट्टा नाल लाला जी दी मौत हो गई। लाला जी दी मौत दी घटना ने भगत सिंह ते उस दे साथियां नू बहुत जोश दिवाया। भगत सिंह ते उस दे साथियां ने लाला लाजपत राय दी मौत दा बदला पुलिस कप्तान स्कॉट नू मार के लैण दा फैसला कीता। स्कॉट दी थां ते सैंडर्स नू
ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲੀ ਗੁੰਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ। ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀ ਕੇ ਦੱਤ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਉੱਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਇਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਹੀ ਅਤੇ ਅਸਹੀ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਮੁਕਦਮੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਅਬ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਮੇ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਕਿਤਨਾ ਬਾਜ਼ੂਏ ਕਾਤਿਲ ਮੇ ਹੈ। 23 ਮਾਰਚ 1931 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜ ਆਖਿਆ, ਤੇਗੋ ਕੇ ਸਾਏ ਮੇ ਪਲ ਕਰ ਜਵਾਂ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇਲ ਜਾਣਤੇ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਪੇ ਝੂਲ ਜਾਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਡੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੀ ਚਿਤਾਓਂ ਪਰ ਲਗੇਂਗੇ ਹਰ ਬਰਸ ਮੇਲੇ, ਵਤਨ ਪਰ ਮਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕਾ ਯਹੀ ਬਾਕੀ ਨਿਸ਼ਾਂ ਹੋਗਾ।